नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही इजी तरीके से एक मटन करी की रेसिपी शेयर करूँगी। आज की रेसिपी आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। ये मटन करी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो रेसिपी देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा और दोस्तों में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं और आज के लाइक का गोल रखते हैं 500। तो आज के रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 750 ग्राम मटन। तो रेसिपी शुरू करते हैं और जो बाकी मसाला लगेगा मैं बनाते टाइम बता दूँगी। तो चलिए, आज हम मटन कुकर में बनाएंगे। तो डालेंगे 1/2 कप तेल। तेल को हम पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे। अगर आपको तेल ज़्यादा लगे तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कम कर सकते हैं। तेल जैसे ही गर्म हो जाए हम डालेंगे 1 तेज़पत्ते, 2 टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची, 4-5 लौंग और छोटी इलायची डालेंगे 4। साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज को पतले स्लाइस में काट के। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन हो जाने तक अच्छे से 4-5 मिनट फ्राई करेंगे। अब देख सकते हैं प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम यहाँ पे मटन डालेंगे। मटन डालने के बाद हम 3 से 4 मिनट बीच बीच में चलाते हुए मटन को फ्राई करेंगे। उसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे यहाँ पे। पहले खोल के हमें मटन को फ्राई करना है, उसके बाद हमें मसाले ऐड करना है। 3 मिनट हो गए हाई फ्लेम में मटन को फ्राई करते हुए। अब हम यहाँ पे डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे हम। एक 1.5 मिनट अदरक लहसुन के पेस्ट डालने के बाद हमें भूनना है। अदरक लहसुन डाले हुए 2 मिनट हो गए। अब हम डालेंगे यहाँ पे ड्राई मसाले। 2 चम्मच डालेंगे रेड चिली पाउडर। तीखा आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। 1.5 चम्मच डालेंगे हम धनिया पाउडर। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और डालेंगे हम 1 चम्मच जीरा पाउडर। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे और मसाले को अच्छे से हम भूनेंगे 1.5-2 मिनट। मसाले अच्छे से जब भून जाए हम यहाँ पे डालेंगे 4 चम्मच दही। दही को थोड़ा सा चम्मच से स्मूथ कर लिया है, देखिए डालेंगे 4 चम्मच। दही डालने के बाद 2-3 मिनट हमें मटन को और भूनना है। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे पानी।
दही डालने के बाद 3 से 4 मिनट अच्छे से मटन को भून लिया है और आप देख सकते हैं पूरी तरीके से मटन हमारा ड्राई हो चुके हैं और साइड से तेल भी अलग दिख रहा है। अब हम डालेंगे यहाँ पे पानी। एक कप पानी डालेंगे, 250 ml। थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा है तो यहाँ पे मैं आधा कप पानी और डालूँगी और ग्रेवी आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी क्रश करते हुए और आधा चम्मच डालेंगे हम गरम मसाला। गैस का फ्लेम मीडियम करके हम 4 सीटी आने तक मटन को कुकर में पकाएंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है और 4 सीटी आने के बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। 4 सीटी आने के बाद मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया था। 5 मिनट बाद मैंने कुकर का ढक्कन खोल दिया है। अब हम फिर से गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। मटन हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। मटन को हम खोल के 1 मिनट और पकाएंगे। अगर आपको मटन ज़्यादा सॉफ्ट है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुकर में सीटी लगा सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे धनिया पत्ते डाल सकते हैं। बस 1 मिनट खोल के मटन को और पकाएंगे। एक मिनट बाद गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। मटन करी बनके हमारा तैयार है, हम इसे सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के ये मटन करी की रेसिपी को ज़रूर बना के देखिएगा, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो आज की रेसिपी बनाइए, खाइए, फिर मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।